गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कंजक्शन पढ़ाया था। कंजक्शन के हिंदी मैंने बताया था समुच्चय बोधक एब अभी, और मैंने आपका डिफिनेशन भी उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवाया था। एक बार मैं फिर से आप लोग को दोहरा देती हूँ। ए कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टूगेदर एज एंड वर्ड और इटीसी। मतलब कंजक्शन किसे कहते हैं? शब्दों या वाक्यों को एक साथ जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन कहलाता है। स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है। शब्दों या वाक्यों को एक साथ जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन कहलाता है। एक कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर एज। तो स्टूडेंट्स, एंड वर्ड और इटीसी, तो आज मैं उसी के आधार पर एक्सरसाइज 25 पढ़ाऊंगी, जिसमें आप लोगों को जितने भी इन सर्कल ऑल द कंजक्शन इन सेंटेंस, जितने भी कंजक्शन है उनको सर्कल करना है। रेखा एंड हेमा आर सिस्टर्स। रेखा एंड हेमा आर सिस्टर्स। उसके बाद देखिए, अली आर फ्रेंड्स। राम राज एंड अली आर फ्रेंड्स। स्टूडेंट, रेखा एंड हेमा आर सिस्टर, तो इसमें रेखा और हेमा दोनों बहने हैं, तो इसमें इस सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? एंड, एंड हमारा कंजक्शन है। राम राज एंड अली आर फ्रेंड्स। राम राज और अली दोस्त है, तो इसमें इस वाक्य को कौन जोड़ रहा है? एक साथ एंड जोड़ रहा है। राम राज अली को, तीनों को एंड जोड़ रहा है। सिंगिंग एंड डांसिंग, वह गा रहा था और नाच रहा था। तो स्टूडेंट, वह गा रहा था और नाच रहा था, इसमें इस वाक्य को कौन जोड़ रहा है? एक साथ एंड जोड़ रहा है। फोर में देखिए, आई वाज रीडिंग and he was playing.
कंजक्शन है। कंजक्शन कहलाता है। ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड और सेंटेंस टुगेदर एज एज एन वर्ड और इटसी। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, रेखा एंड हेमा आर सिस्टर। रेखा और हेमा बहने हैं। तो रेखा एंड हेमा आर सिस्टर। तो रेखा भी एक लड़की है और हेमा भी लड़की है, लेकिन बहन है। तो इस सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है एक साथ? एंड। यहाँ देखिए, एंड जो है रेखा और हेमा का संबंध जोड़ रहा है, बता रहा है, इस सेंटेंस को जोड़ रहा है एंड। रेखा एंड हेमा आर सिस्टर। रेखा और हेमा बहने हैं। राम, राम, राज एंड अली आर फ्रेंड्स। राम, राज और अली दोस्त हैं। तो राम, राज, अली जो दोस्त है, इस सेंटेंस को बीच में कौन एक साथ जोड़ रहा है? एंड। एंड देखिए, एंड जो है राम, अगर ये एंड नहीं होता तो सिर्फ अकेले राम होता या राज होता। एंड लिख के हम लोग अली और फ्रेंड्स लिखे हैं, ये सेंटेंस को एंड जोड़ रहा है। यहाँ देखिए, ही वाज सिंगिंग, वह
गा रहा था एंड डांसिंग और नाच रहा था, गा और नाच रहा था। तो इस सेंटेंस को यहाँ पे कौन जोड़ा है? इन, इन कंजक्शन है, इसलिए मैंने सर्किल किया है, क्योंकि इस सारे वाक्य में कंजक्शन को ही सर्किल करना था। I was reading, मैं पढ़ रहा था, and he was playing, और वह खेल रहा था। मैं पढ़ रहा था और वह खेल रहा था। ये ध्यान से देखिए स्टूडेंट, I was reading and he was playing, मैं पढ़ रहा था और वह खेल रहा था। तो मेरे पढ़ने और उसके खेलने को वाक्य को कौन जोड़ रहा है? एंड, और जोड़ रहा है। तो एंड कंजक्शन है, मैंने सर्किल कर दिया एंड को। राम इज पुअर एंड ऑनेस्ट, राम गरीब और ईमानदार है। तो ये देखिए राम के बारे में, राम गरीब भी है और ईमानदार भी है। तो ये दोनों वाक्य को एक साथ कौन जोड़ रहा है? एंड, एंड कंजक्शन है। शब्दों वाक्यों को एक साथ, शब्दों या वाक्य को एक साथ जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन कहलाता है। I was sleeping, मैं सो रहा था, but he was reading, लेकिन वह पढ़ रहा था। तो याद देखिए, I was sleeping, मैं पढ़ रहा था, लेकिन वह, sorry, मैं सो रहा था। I was sleeping, but he was reading, लेकिन वह पढ़ रहा था। तो ये दोनों सेंटेंस स्टूडेंट, मैं सो रहा था, वह पढ़ रहा था, दोनों सेंटेंस को एक बार एक साथ कौन जोड़ दिया? बट, बट से दोनों। तो ये अलग ही हो सकता था, आई एम स्लीपिंग, ही वाज रीडिंग, मैं सो रहा था, लेकिन इस दोनों सेंटेंस को यहाँ पे बट जोड़ रहा है। तो ये बट कंजक्शन है, मैंने इसको सर्किल कर दिया है। गिव मी ए पेन, Give me a pen or a pencil, मुझे एक कलम या पेंसिल, एक पेंसिल दो, मुझे एक कलम या एक पेंसिल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मुझे एक पेन या एक पेंसिल दीजिए, इसको कौन जोड़ रहा है? और ये जो पेन और पेंसिल जो मांगा जा रहा है, इस सेंटेंस को यहाँ पे और एक साथ जोड़ रहा है। यहाँ पे और कंजक्शन है। He will beat और cry. He will beat और cry. He means होता है वह, और फ्यूचर स्टूडेंट, फ्यूचर सिंपल में बिल लगता है। तो और beat means रोना, और cry means चिल्लाना। तो वह रोएगा या चिल्लाएगा। तो यहाँ पे वह जो है रोएगा भी या चिल्लाएगा, रोएगा या चिल्लाएगा, ये दोनों से, दोनों शब्दों को इस सेंटेंस में कौन जोड़ रहा है? और, तो और कंजक्शन है। इसी तरह स्टूडेंट्स और भी सेंटेंस हो सकते हैं। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम भाई हैं। तो स्टूडेंट्स, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो राम और श्याम आर ब्रदर्स, तो इसमें राम और श्याम दोनों भाई है। तो इस सेंटेंस में राम और श्याम को एक साथ कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाली सेंटेंस में ए एंड डी एंड, फर्स्ट वाले सेंटेंस में एंड कंजक्शन है, और दूसरे वाले सेंटेंस में भी देखिए, यहाँ देखिए एंड है, इस सेंटेंस को भी एक साथ एंड जोड़ रहा है। तीसरे सेंटेंस में भी देखिए एंड ही दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, इस वाक्य को जोड़ रहा है। इसमें भी देखिए आई वाज रीडिंग, ही वाज प्लेइंग, इसमें भी एंड ही जोड़ रहा है, एंड कंजक्शन है, एक साथ जोड़ रहा है। इसे मैं यहाँ पे सर्किल कर देती हूँ अलग से, ये देखिए। और इस बात में देखिए, राम इज पुअर एंड ऑनेस्ट,
पे भी एंड इस वाक्य को जोड़ रहा है, एंड कंजक्शन है। यहाँ पे देखिए आई एम स्लीपिंग बट ही वाज रीडिंग, यहाँ पे बट कंजक्शन है, इस वाक्य को बट जोड़ रहा है। गिव मी ए पेन और ए पेंसिल, मुझे एक कलम या एक पेंसिल दीजिए। तो यहाँ पे और दोनों और इस सेंटेंस को जोड़ रहा है एक साथ, और कंजक्शन है ही विल पीप और क्राई, वह रोएगा या चिल्लाएगा। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स और कंजक्शन है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग और भी वाक्य बना सकते हैं, आई वॉज रीडिंग या आई वॉज ईटिंग बट ही वॉज स्लीपिंग। तो स्टूडेंट्स आई वॉज ईटिंग बट ही वॉज स्लीपिंग, तो मैं खा रहा था लेकिन वह सो रहा था। तो इस सेंटेंस को भी यहाँ पे एंड जोड़ेगा, आई वॉज ईटिंग बट ही वॉज स्लीपिंग। तो इसमें बट दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। अगर हम बोलते हैं कि आई वॉज स्लीपिंग बट ही वॉज ईटिंग, तो इसमें भी दोनों सेंटेंस को बट जोड़ रहा है। अगर हम लिखते हैं राधा एंड सीता आर फ्रेंड्स, तो राधा और सीता आर फ्रेंड्स, इस वाक्य को कौन जोड़ रहा है? एंड, एक साथ कौन जोड़ रहा है? एंड। इसी तरह स्टूडेंट्स गिव मी ए पेन और ए पेंसिल, इसमें भी दोनों सेंटेंस को और जोड़ रहा है। उसके बाद देखिए राम राज अली आर प्लेइंग, सी वाज सिंगिंग एंड डांसिंग, वह नाच और गा रही थी। तो इस सी वाज सिंगिंग एंड डांसिंग, इसमें भी स्टूडेंट वह नाच और गा रही थी, इस सेंटेंस को एंड एक साथ जोड़ रहा है ना। उसके बाद गिव मी मनी और हनी, मुझे पैसा या मौत दीजिए। गिव मी मनी और हनी, मुझे पैसे या शहद दीजिए। तो स्टूडेंट इस सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? और, एक साथ कौन जोड़ रहा है? और, गिव मी मनी और हनी, मुझे पैसा या शहद दीजिए। इसमें भी इस सेंटेंस को और जोड़ रहा है, और कंजक्शन है ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ही इज पुअर, वह गरीब है बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। तो इसमें दोनों इस जो पुअर ऑनेस्ट है, इस सेंटेंस को कौन जोड़ा है एक साथ? बट। तो स्टूडेंट्स आप लोग को कंजक्शन समझ में आए? सबसे पहले आप कंजक्शन का डिफिनेशन याद करेंगे, बहुत ही आसान है। उसके बाद स्टूडेंट इसको इनसर्कल करेंगे, ये आपका एक्सरसाइज 25 है, ग्रामर एक्सरसाइज 25 का है। आप बनाएंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में, मुझे होमवर्क सेंड करेंगे। कुछ बच्चे होमवर्क सेंड कर रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो होमवर्क भेजे, मैं उसे चेक करके आप लोगों को बताऊंगी आपने क्या गलत लिखा, कितना सीखा कितना नहीं सीखा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे या मुझे कॉल करके बताएं कि आपको नहीं समझ में आ रही है। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। शाम में स्टूडेंट 6 से 8 बजे के आसपास में, शाम में इवनिंग टाइम में आप मुझे कॉल कर सकते हो। और कुछ बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं भेज रहे हैं। जो बच्चे नहीं भेज रहे हैं वो पढ़ाई करें और होमवर्क भेजे स्टूडेंट। और स्टूडेंट और मैं आप लोग को फिर से याद दिला रही हूँ, हाफ अर्ली एग्ज़ाम होने वाला है स्टूडेंट, आप लोग इसको मिस नहीं करें। जिन बच्चों ने इससे पहले भी एग्ज़ाम नहीं दिया है वो बच्चे भी ध्यान से सुन ले, ये हाफ अर्ली का एग्ज़ाम देना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 80 मार्क्स का ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स का
ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो स्टूडेंट 80 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आप ऑफिस से ले लेंगे और ऑनलाइन एग्जाम के लिए पासकोड ले लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।